तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। द थिंग इज कि जिंदगी में बस तीन लोग आप पे हंसते हैं। एंड हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ इज यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे इज द 23rd ऑफ मार्च। ट्यूसडे इज गोइंग ऑन एंड वी आर ऑल सेट रेडी टू गो फॉर द ऑफिस। 9 बज चुके हैं सवेरे के एंड ब्रेकफास्ट अब पैक है। तो आज मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं शाम को नियर अबाउट 8 o'clock। कैसे हो आप लोग? तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। द थिंग इज कि जिंदगी में बस तीन लोग आप पे हंसते हैं। एंड किसी मेरे फ्रेंड ने कहा ये बात। एक पहले वो होते हैं जो स्कूल वाले, दूसरे होते हैं कॉलेज वाले, और तीसरे होते हैं आपके होम टाउन के जो आपके घर के आसपास रहते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। ये तीन बंदे, आप कोई भी काम न्यू स्टार्ट करोगे वो आप पे जरूर हंसेंगे। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैंने ये न्यू चैनल बनाया। एंड चलो नो डाउट अभी कोई ऐसा उतना कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूज नहीं आते उतनी ज्यादा और लाइक्स नहीं आती, तो इट डजेंट मीन कि आप उसको डीमोटिवेट करो उस पर्सन को। यू हैव टू सपोर्ट दैट पीपल, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ नया स्टेप लिया है और उसको उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अपने फ्रेंड्स को या क्लोज वंस को या फैमिली मेम्बर्स को अपने वर्ड्स या एक्शन से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज उसको डीमोटिवेट भी मत करो। उसको अपना लाइक लाइफ जीने दो, जो उसका बेस्ट है उसको देने दो। बाकी सक्सेस होना फेल होना ये फ्यूचर की बात है। यही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था। होप ऑल गुड एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन। हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। अस्तला विस्तला बेबी। I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one.